वहीं हार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हार की समीक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र से आए नेताओं ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, अधिकारियों को नेताओं को लगातार डराया धमकाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस काम करेगी, कार्यकर्ताओं में हार की बिल्कुल भी मायूसी नहीं है। छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े लीडर, हमारे नौ नौ मंत्री और बड़े नेता को हार का सामना करना पड़ा है और कभी मतलब कल्पना भी नहीं किए थे कि शायद ऐसा स्थिति आएगा। इन सब बातों को लेकर समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कहाँ कमी बेसी हो गई है और जहाँ भी कमी बेसी होगा, आने वाला लोकसभा चुनाव है, उससे पहले इनको सबको हम लोग दूर करेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, छात्रा पर हमला हुआ है। सहेली के साथ छात्रा कॉलेज से पैदल लौट रही थी, तभी धारदार हथियार से एक युवक ने उस पर हमला कर दिया। हमले में छात्रा के गले में गंभीर चोट आई है। घायल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। आरोपी योगेश साहू फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। निरंजन केसरवानी कॉलेज के सामने आज हेमा सिंह नामक एक लड़की को, एक लड़का योगेश साहू जो है वो धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया। कोटा थाना द्वारा अभी तत्काल में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। जल्दी हम लड़के को पकड़ने में सफलता हमें मिलेगी। क्या हमला का कुछ कारण समझ में आया? अभी लड़का जो है वो पकड़ाया नहीं है, पकड़ाएगा तो पूछताछ करने पर असली कारण पता चलेगा हमें। धमतरी में दो बाइक की टक्कर हो गई, टक्कर में पुलिस आरक्षक की मौत हुई है, दूसरा बाइक सवार घायल है। घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया, इलाज जारी है। मृतक पुलिस लाइन में तैनात था। केदी गांव थाने के बांस पारा की घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे धमतरी से, जहां दो बाइक की टक्कर हुई, टक्कर में पुलिस आरक्षक की मौत हो गई, दूसरा बाइक सवार घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया, घायल का इलाज जारी है। मृतक पुलिस लाइन में तैनात था। केरी गांव थाने के बांस पारा की घटना ये बताई जा रही है। वहीं सूरजपुर में बाइक